नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे AWPL कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करें। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से कैसे ऑर्डर करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी के संकट में फंसा हुआ है। इस विपत्ति के समय में हमको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई करना है और सबसे बढ़िया उपाय है इसके लिए घर पर रहें, सेफ रहें, बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें। तो हम इसी को फॉलो करते हुए हम दोस्तों को ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप AWPL कंपनी के प्रोडक्ट को घर बैठे कैसे ऑर्डर करें। इसके पीछे दूसरा भी रीज़न है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ की फ्रेंचाइजी न होने के चलते वहाँ पे लोगों को इसके प्रोडक्ट की कमी महसूस हुई है। मेरे चैनल के जरिए बहुत सारा कॉन्टेक्ट हुआ है मुझसे और बताया गया है कि सर, हम लोग को प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, तो प्लीज़ इसका उपाय बताएं कैसे हमारे पास प्रोडक्ट आ पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको इसके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। कोई भी स्टेप आप मिस कीजिएगा तो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हो पाएगा या गलत तरीके से ऑर्डर हो जाएगा। पहले हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन के लिए हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही यूजर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपको एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यूजर आईडी और पासवर्ड को डालना होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है इंटर यूजर नेम, यहां पर यूजर आईडी डालेंगे हम। यहां पर कुछ यूजर आईडी बना चुके हैं, उसको हम डालेंगे और यहां हम पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही ऑप्शन आएगा, यहां पर इंटर पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद इस तरह से एक फ़ोटो गैलरी करके खुलेगा। अब यहाँ पर हमको मेनू में जाना है। मेनू के लिए यहाँ पर जो तीन लाइनें आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले इसमें ऊपर दिख रहा है डैशबोर्ड, प्रोफाइल, जीनोलॉजी, अपलोड बैंक KYC, अकाउंट, ट्रिप ब्रांजा, रिपर्चेज। तो दोस्तों, हमको इसी रिपर्चेज ऑप्शन पे ही काम है, तो हम रिपर्चेज पे क्लिक करेंगे। रिपर्चेज पे क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें न्यू परचेज है, मॉडिफाई परचेज है, माई अप्रूव्ड ऑर्डर है, प्रोडक्ट लिस्ट है। तो हमको चूँकि नया परचेजिंग करना है तो न्यू परचेज ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा। आप देख सकते हो ऑर्डर फॉर्म में यहाँ पे बेसिकली तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले शिपिंग एड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें शिपिंग एड्रेस आपको भरना है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मंगाने हैं उस जगह का एड्रेस इसमें हम फिल करेंगे। उसके बाद शिपिंग मोबाइल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि जो AWPL का प्रोडक्ट जो व्यक्ति मंगा रहा है उसका मोबाइल नंबर क्या है, उस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद जिस जगह वो जा रहा है प्रोडक्ट, उसका पिन कोड एड्रेस क्या है, पिन कोड नंबर, ये तीन चीज़ को हमको बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको फिल करना है। तो हम यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं जो हमारा शिपिंग एड्रेस है, जैसे मान लीजिए XYZ बिहार, उसके बाद पिन कोड भर देंगे, जो भी फुल एड्रेस है वो हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग मोबाइल नंबर 7680, जो भी मोबाइल नंबर है वो फिल कर देंगे। पिन कोड जो भी हमारा पिन कोड है उसको हम इसमें फिल करेंगे, जैसे मान लीजिए 82267, ये हम पिन कोड फिल कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर आना है प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट हमको ऑर्डर करने हैं, कितनी क्वांटिटी है।
तो यहाँ पर जैसे एक्स हेयर ऑयल है, एक क्वांटिटी चाहिए, ये हम फिल कर दिए, ऐड पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दिए। थोड़ी देर प्रोसेस होगा। यहाँ पे सेल्स ग्रुप भी सेलेक्ट करना है कि आप SAO ग्रुप से मंगाना चाहते हैं कि SGO से मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल्स ग्रुप हमने एक्सेप्ट कर लिया और ऐड कर दिया। ये हो गया, ऐड हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हम ओबेडॉक, इसकी क्वांटिटी है 2, ऐड कर दिए। ये दो प्रोडक्ट हमको मंगाने हैं। इन दोनों प्रोडक्ट का यहाँ पर अमाउंट भी आप देख सकते हो दोस्तों, नेट अमाउंट यहाँ पर दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हो एक्स हेयर ऑयल का अमाउंट है 201 रुपये 78 पैसा और ओवेडॉक का है 4376 रुपये। ये टोटल GST वगैरह ऐड करके इसमें लग रहा है। तो ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए। अब प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हमको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP इसको हमको सेव पर क्लिक कर देना है। बिल सेव्ड, बिल हमारा जो है, जो हमने ऑर्डर किया दो प्रोडक्ट के लिए, एक्स हेयर ऑयल और ओबेडॉक, ये हमारा बिल जो है वो सेव हो गया। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि जो बिल सेव हो गया है और इसको हम कंपनी में पेमेंट करके उसको अप्रूव कैसे कराएं, उसका पेमेंट जो हमारा आया है उसका पेमेंट करके हमको उसे अप्रूव कैसे कराना है, ये देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि कंपनी को हमको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको बैक करते हैं हम यहाँ से, ये हमने बैक किया। बैक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किए, अब देख रहे हो यहाँ पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हो QR कोड दिखाई दे रहा है, ये ICICI बैंक का है, SBI का है। इस QR कोड के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्टेप्स है यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ओपन UPI, सेलेक्ट टैप टू पे, स्कैन QR कोड, इंटर अमाउंट, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। इसमें हमको क्या करना है, यदि इमेज को हमको डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेमेंट करने के बाद हमको इसको मेल करना होता है। जो हमारा पेमेंट का स्लिप होता है, पेमेंट करने के बाद जो स्लिप आया, उस स्लिप को हमको कंपनी को मैसेज करना होता है, मेल करना होता है कि हमने कौन कौन से ऑर्डर किए और क्या हमने पेमेंट किया। तो उसको हम मैसेज कर देंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, कंपोज पे। अब कंपनी की आईडी क्या है इसको जानने के लिए हम यहाँ से वापस लॉगिन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट में जाएंगे। थोड़ी देर प्रोसेस होगा, कंपनी का ईमेल एड्रेस जो भी है वो हमको मिल जाएगा। काफ़ी टाइम ले रहा है, ये आ गया, आप देख सकते हो।
यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ से हम मैसेज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम कंपनी का ईमेल आईडी जो भी है उसको हम टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद abc@gmail कोई भी है जो कंपनी की आईडी है उसको टाइप करने के बाद हम यहाँ पर न्यू परचेज डियर सर प्लीज अप्रूव माय ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर। और इसको करने के बाद हमको क्या करना है दोस्तों, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है प्रोडक्ट का ऑर्डर करते समय उसको यहां से अटैच कर देना है। अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद हमको इसको मेल कर देना है कंपनी को। मेल करने के बाद जो भी हमने शिपिंग एड्रेस दिया है उस शिपिंग एड्रेस पे प्रोडक्ट जो हमारा है विद इन 7 डेज में आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर थोड़ा पहुँचने में दिक्कत होता है, वहाँ 7 डेज के अलावा 2-3 दिन अधिक मतलब 10 डेज लग सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।